Hey everyone, welcome back. तो आज हम लोग जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं उसमें विटालिक ब्यूट्रेन को और इथेरियम को काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। अब गेस करिए कौन सी टेक्नोलॉजी है, गेस करिए। सही समझा आपने, स्टार्कनेट। स्टार्कनेट एक लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है फॉर द इथेरियम ब्लॉकचेन। इसके थ्रू हम लोग हाईली स्केलेबल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्योंकि स्टार्कनेट के थ्रू हमारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ज्यादा चीपर हो जाते हैं, दूसरी चीज ज्यादा फास्टर हो जाते हैं, इनहैंस हमारी जो ब्लॉकचेन है वो स्केलेबल हो जाती है। स्टार्कनेट यूज करता है काइरो वर्चुअल मशीन का, जहां पे हम यूज करते हैं काइरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका सिंटेक्स जस्ट लाइक रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा है, और इसके थ्रू आप हाईली कंप्यूटेशनल प्रोग्राम्स बना सकते हो। आप इससे ऑन चेन गेम्स बना सकते हो, ऑन चेन जनरेटिव AI भी बना सकते हो। और इसकी सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग स्टार्क प्रूफ या फिर आप कह सकते हैं ZK प्रूफ का यूज कर सकते हैं विदाउट इवन गोइंग इनटू द निटिगिटी ऑफ ZK प्रूफ। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी हमें नहीं जानी पड़ेगी, ZK प्रूफ कैसे क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन सारी चीजें हो जाएंगी। बस हमें अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर फोकस करना है, बस हमें अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर फोकस करना है। और अगर आप काइरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हो या स्टार्कनेट के बारे में जानना चाहते हो तो पूरे बूट कैंप्स अवेलेबल हैं इनके यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो इन डिटेल। साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो बूट कैंप्स वाले लेक्चर्स में, वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको नहीं पसंद आते, तो आप गेम्स के थ्रू भी इसे सीख सकते हो। तो नॉट गार्डियंस पूरी एक वेबसाइट है जहां आप गेमिंग के थ्रू काइरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में या फिर स्टार्कनेट के बारे में सीख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको इसमें भी इंटरेस्ट नहीं आता तो यहाँ पे हमारे पास एक और सोल्यूशन है जिसे हम कहते हैं स्टार्क ऐप। यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप सीख सकते हो कि किस तरह से काइरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क कर सकती है। और स्टार्कनेट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हुए हैं डेवलपर्स के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा डेवलपर्स कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें और उनको उसके लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा। जैसे कि पहला प्रोग्राम है, अगर आप स्टार्कनेट के इकोसिस्टम में कोई बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको $25,000 से लेकर के $1,000,000 तक का ग्रांट मिल सकता है। और अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हो, कोई गेमिंग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोपल्शन प्रोग्राम, जहां पे गेमिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको फंड किया जाएगा अप टू $1,000,000 तक। एक थर्ड प्रोग्राम भी है जो डेवलपर्स नॉन डेवलपर्स दोनों के लिए है। अगर आप एक डेवलपर हो, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो स्टार्कनेट इकोसिस्टम में, तो वहां पे आपको बहुत बढ़िया रिवॉर्ड दिए जाएंगे। उसी तरह से अगर आप एक नॉन डेवलपर हो, किसी तरह से अगर आप स्टार्कनेट इकोसिस्टम में मतलब कंट्रीब्यूट करते हो, उनको सपोर्ट करते हो आइदर थ्रू कंटेंट क्रिएशन, आइदर थ्रू डॉक्यूमेंटेशन और आइदर थ्रू एनी आर्टिकल, उसके लिए भी आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, 13 जून से 26 जून तक एट ग्लोबल स्टार हैक ऑनलाइन हैकाथॉन्स भी हो रहे हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहां पे प्राइस रखा गया है अराउंड $125,000। साथ ही साथ अगर आप एक बढ़िया प्रोजेक्ट बनाते हो, जो टॉप प्रोजेक्ट्स होंगे, उनको सीड ग्रांट्स दिए जाएंगे ऑफ अराउंड $25,000, ताकि अपने वो MVP को स्केल कर सके। सो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाता रहूं और काइरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी कुछ कोर्स लाया जाए तो जरूर से कमेंट में लिख के बताना, तो उस पर भी वर्क किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।